अगर फिर भी आपको कोई भी स्मार्टफोन पसंद नहीं आता है तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा आपको, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट वन प्लस स्मार्टफोन्स अंडर रुपीज 150 रुपया। आज मैंने प्राइस पॉइंट का क्राइटेरिया नहीं रखा है, बल्कि आपके लिए जो बेस्ट स्मार्टफोन्स है वन प्लस की तरफ से आने वाले, वो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। और भाई, अगर आपका बजट 20,000 से लेकर 50,000 रुपए के आसपास तक है, तब ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने घंटे को भी जोर से दबा लो, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भाई लिस्ट का सबसे पहला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वन प्लस का 10 प्रो। 50,000 से 55,000 रुपए के आसपास जिनका बजट है वो इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और भाई काफी ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है। अगर इसके मैं फीचर्स की बात करूं तो भाई इसमें आपको 6.7 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसपे आपको 1 बिलियन प्लस कलर्स, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे अगर आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो या गेमिंग वगैरह भी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल क्वालिटी मिलने वाली है। चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट मिल जाता है, जो आपको एंड्रॉइड 12 के साथ मिलता है, और ये फ्री टू अपग्रेडेबल है एंड्रॉइड 13 के अंदर। और इस चिपसेट के साथ आप हार्ड से हार्ड मल्टीटास्किंग और गेमिंग आसानी से वेरी स्मूथली कर पाओगे। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इन द बॉक्स मिल जाएगा, और साथ ही आपको 50W का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 48+8+50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें आपको OIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है, और इस कैमरा सेटअप से आप मैक्सिमम 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट में आपको 32 MP का एंड डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिससे आप मैक्सिमम फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। और वहीं अगर मैं बात करूं कुछ एडिशनल फीचर्स की, तो भाई इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड 8GB रैम एंड 128GB रोम वाला फर्स्ट वेरियंट मिल जाता है, जिसे आप 50,000 से 55,000 रुपए के आसपास बाइक कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है वन प्लस का 10R, और जिनका बजट 35,000 से 40,000 रुपए के आसपास डोलता है वो ये स्मार्टफोन कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करूं तो भाई इसमें भी आपको 6.7 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसपे आपको 1 बिलियन प्लस कलर्स, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। डिस्प्ले के मामले में वन प्लस 10 प्रो एंड वन प्लस 10R की क्वालिटी सेम रहती है, बट अगर मैं चिपसेट की बात करूं तो भाई इसमें आपको MediaTek का Dimensity 8100 चिपसेट मिल जाता है, जो आपको Android 12 के साथ मिलता है, और इसे आप फ्री टू अपग्रेड कर सकते हो एंड्रॉइड 13 में, और इसमें आप बड़े बड़े गेम्स को हाई सेटिंग्स पे आसानी से प्ले कर पाओगे। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 50+8+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाता है, जिसमें आपको OIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट एंड मैक्सिमम 4K वीडियोस को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रंट में आपको नॉर्मल 16 MP का एंड डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है। बैटरी में अगर मैं बात करूं तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इन द बॉक्स मिल जाता है, एंड ये स्मार्टफोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, जिससे आपका डाटा काफी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है, और वो तब तक जब तक आप उंगली ना करो। तो भाई स्मार्टफोन का जो फर्स्ट वेरियंट है वो है 8GB रैम एंड 128GB रोम वाला, तो आपको 35,000 से 40,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है वन प्लस का 11R। 40,000 से 45,000 के आसपास जिसको वन प्लस का स्मार्टफोन चाहिए वो इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते। तो भाई अगर मैं स्मार्टफोन की फीचर्स की बात करूं तो भाई इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8+Gen 1 चिपसेट मिल जाता है, जो आपको ऑलरेडी एंड्रॉइड 13 के साथ मिलता है, जिसकी वजह से आपको चीजें और फीचर्स काफी ज्यादा कस्टमाइज मिलते हैं। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो 6.7 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है, जिसपे आपको 1 बिलियन प्लस कलर्स, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल जाता है, और ये डिस्प्ले सेम टू सेम है हमारे पिछले दो स्मार्टफोन से, तो क्वालिटी भी सेम टू सेम आपको मिल जाती है। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो भाई इसमें आपको 50+8+2 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको OIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट एंड 4K वीडियोस को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड फ्रंट में आपको वही नॉर्मल 16 MP का एंड डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जिसके साथ आपको 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इन द बॉक्स मिल जाएगा।
एंड साथ ही आपके डाटा और स्मार्टफोन को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के अंदर मिल जाएगा। और अगर स्मार्टफोन के फर्स्ट वेरिएंट की बात की जाए तो इसका जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है 8GB रैम और 128GB रोम वाला, जिससे आप 40,000 के आसपास बाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो उस ऑडियंस को टारगेट करता है जिनको 30,000 के नीचे नीचे एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए वन प्लस की तरफ से। तो भाई ये स्मार्टफोन आप कतई मिस मत करियो। स्मार्टफोन के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो 6.43 इंचेस की अमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी, जिसपे आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो भाई प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, नो डाउट। स्मार्टफोन के चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो MediaTek का Dimensity 1300 5G चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है, जो आपको Android 12 के साथ मिलता है। और हमारे पिछले स्मार्टफोन्स की तरह ही इसमें भी आपको एंड्रॉइड 13 में अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं तो 50+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल जाता है, जिसमें आपको OIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट एंड मैक्स टू मैक्स 4K वीडियोस को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की तो भाई इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिससे आप मैक्स टू मैक्स फुल HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। बैटरी में आपको 4500mAh की एक एवरेज बैटरी मिल जाएगी, बट इसको चार्ज करने के लिए आपको 80W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। एंड अगर एडिशनली कुछ देखा जाए तो पिछले स्मार्टफोन की तरह ही इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड स्मार्टफोन का जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है 8GB रैम और 128GB रोम वाला, जो आपको 30,000 के प्राइस पॉइंट के नीचे नीचे मिल जाता है। तो भाई ये थे आज के हमारे टॉप स्मार्टफोन्स जो आपको OnePlus की तरफ से मिलते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स आपको ऑफर करते हैं। तो भाई अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन पसंद नहीं आया तो 2-3 स्मार्टफोन्स की लिंक मैं आपको नीचे और दे रहा हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई भी स्मार्टफोन पसंद नहीं आता है तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा आपको, चल भाई।